Your study YouTube channel, subscribe new. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक स्टडी पैलेस यूट्यूब चैनल में। आज हम विंडोज 7 में हाउ टू चेंज स्क्रीन सेवर के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए नोट्स को ऑन कर लें। तो आज हम बात करने वाले हाउ टू चेंज स्क्रीन सेवर विंडोज 7 में। तो स्क्रीन सेवर होता क्या है पहले ये जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम बताते हैं, जब कुछ टाइम पीसी को फ्री छोड़ देते हैं तो उस बीच स्क्रीन पर या तो विंडो लोगो या कुछ इमेज या कुछ टेक्स्ट शो होने लगता है, उसे बोलते हैं स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर कुछ टाइम पीसी को खाली छोड़ने के बाद ही शो होता है। तो इसकी टाइमिंग सेट की जाती है, टाइमिंग अकॉर्डिंग ये स्क्रीन पर शो होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, स्क्रीन सेवर के बारे में। तो स्क्रीन सेवर अपने इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। तो उसे लगाने के लिए सबसे पहले डेस्कटॉप पर खाली जगह में राइट क्लिक करना होगा, यहाँ पर पर्सनलाइज जाना होगा नीचे। इसके बाद में अपने ये डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो इसके अंदर सबसे नीचे जाएंगे, ये विंडो बड़ी हो गई है इसको छोटी कर लेंगे। तो ये लिखा हुआ है स्क्रीन सेवर, तो यहाँ पे लगा हुआ है क्रॉस रेड निशान है, मतलब क्या है, स्क्रीन सेवर अभी नहीं लगा हुआ है, नन है। अगर आप लंबे टाइम की सिखा छोड़ देंगे तो भी स्क्रीन पर कुछ शो हो नहीं होगा। स्क्रीन सेवर लगाने के लिए हम इस पर स्क्रीन सेवर पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक करने के बाद में ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा स्क्रीन सेवर की सेटिंग का। तो इसमें लिखा हुआ देखो यहाँ पे स्क्रीन सेवर, तो यहाँ पे अभी नन है, नन में यहाँ पे चेंजिंग करेंगे अपने, लेफ्ट क्लिक दबाएंगे या एरो पे निशान जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ मेन्यू खुल जाएंगे। तो यहाँ पे किसी प्रकार का आप स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया 3D टेस्ट, मतलब 3D टेस्ट पर जाएंगे अपने। तो यहाँ पे देखेंगे आप, देखो अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ नीचे वेट 1 मिनट, मतलब 1 मिनट खाली छोड़ देंगे पीसी। तो उसके बाद में इस तरह से हम प्रीव्यू को दिखाते हैं आपको, प्रीव्यू जाएंगे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये विंडो 7 लोगो शो होने लग जाएगा 1 मिनट बाद में स्क्रीन पर। इस पर अपना खुद का नाम भी सेट कर सकते हैं या कोई अपने कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। लगाने के लिए यहाँ पे विंडो 7 लिखा हुआ है, तो मेरा नाम है प्रीतम साके, PRITAMSHAKYA प्रीतम साके। मिस्टेक हो रही है, तो मैं लिख दिया प्रीतम साके, तो ओके करेंगे तो ये स्क्रीन पर नाम शो हो जाएगा इस तरह से। चाहे तो इसमें फॉन्ट चेंज भी कर चेंजिंग कर सकते हैं, फॉन्ट की चेंजिंग। तो देखो यहाँ पे फॉन्ट चूज फॉन्ट लिखा हुआ है, तो अगर चूज फॉन्ट में जाएंगे तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज करते हैं, किसी प्रकार का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कोई फॉन्ट आप या फॉन्ट स्टाइल रेगुलर करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, किसी प्रकार से सेट कर सकते हो। तो मैंने कर दिया बोल्ड, ओके करते हैं, ओके करना फिर ओके करते हैं, तो ये प्रीव्यू चेक करते हैं, ये फॉन्ट साइज चेंज हो गया फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद में किसी प्रकार का चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कोई फॉन्ट लगा सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रोटेशन टाइप, मतलब अभी तो स्पिन में इस तरह दिखाई दे रहा है, वर्टिकल रोटेट हो रहा है, तो अब हम इसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सी सा कर देते हैं, देखो ये अब पूरा रोटेट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम आगे नीचे से चेक करते हैं बॉबल, इस तरह से आएगा, तो ये आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से स्क्रीन सेवर। उसके बाद में कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, उसके बाद में
रेजोल्यूशन क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और रोटेशन स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तरह अपने नाम लगा सकते हैं कोई भी। जैसे फिर हम चेंज करते हैं किसी और नाम को, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे ECH स्टडी पैलेस, यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये आ गया टेक्स स्टडी पैलेस। तो उसके बाद में हम आगे ब्लैंक करना चाहते हैं, यानी स्क्रीन पर ब्लैंक शो होगा, इस तरह से स्क्रीन पर कुछ सेंस नहीं आएगा। तो वहाँ से लाएंगे वापस आ जाएंगे वहीं पे, तो यहाँ पे बबल में जाएंगे तो यहाँ पे बबल शो होने लग जाएंगे, इस तरह से स्क्रीन पे बबल शो होने लग जाएंगे कुछ स्क्रीन पर एक मिनट बाद में। माइट रखी इस तरह से होगी, उसके बाद में यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं अपनी, मान लीजिए जिस भी फोल्डर अपनी फोटो पड़ी हैं, माई कंप्यूटर खोलते हैं, इसके अंदर ई ड्राइव के अंदर मेरी ये ट्रिपल ए के अंदर ये पिक्चर पड़ी है, इन्हें मैं लगाना चाहता हूँ तो इन्हें भी लगा सकता हूँ। उसके लिए सेटिंग जाने के बाद में यहाँ पे ब्राउज जाने के बाद में यहाँ पे देखो चलते हैं अपने माई कंप्यूटर के अंदर ई ड्राइव ट्रिपल ए के अंदर पिक्चर पर मैं ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया है, इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सेव करने के बाद में ये जो उस फोल्डर के अंदर इतनी इमेज हैं सारी शो होने लग जाएगी, इस तरह से चेंज होती रहेंगे अपने आप। यहाँ पे स्लाइड शो स्पीड है मीडियम फास्ट, किस तरह से करनी है उस तरह से अपने चेंज करवा सकते हैं, चेंज होती रहेंगी उसमें। आगे चलते हैं रिबन में इस तरह से शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे वेट है एक मिनट दो मिनट, इतने टाइम बाद अपने शो करना चाहते हैं वो शो कर सकते हैं, इस तरह से आप किसी भी स्पीकर को लगा सकते हैं। तो मैं फिक्स कर देता हूँ अपनी पीसी के अंदर या लैपटॉप अंदर टेस्ट, यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट स्टडी पैलेस, फॉन्ट साइज में करता हूँ इसे बोल्ड, इसे ब्लैंक कर दिया, ये लो अभी शो होगा मेरे ओके 3 मिनट, यहाँ पर कर दो 5 मिनट, ये 5 मिनट मेरा पर्टिकुलर सेट हो गया है। 5 मिनट बाद में स्क्रीन सेवर मेरे स्क्रीन पर शो होने लग जाएगा जब मैं इसे खाली छोड़ दूँगा। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल से लगातार जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो तुरंत प्रारंभ करने के लिए नोटिस को ऑन कर लें। धन्यवाद।